तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ हीरो ऑप्टिमा CX के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है और इसका जो लुक है वो हीरो प्लेजर जैसा स्कूटी आता है उस टाइप का है। ओके, और बहुत ही अच्छी स्कूटी है फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो मोटर यूज़ होती है वो BLDC हब मोटर यूज़ होती है, जो कि बहुत अच्छी होती है, एक रिलायबल होती है और बहुत अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। और सेकंड फ्रेंड्स, इसमें एक एक रिवर्स मोड होता है, ठीक है, एक क्रूज मोड होता है। ओके, और इसमें एक पार्किंग सिस्टम है, पार्किंग असिस्टेंट है, जो कि हमें ये बताता है कि हमारी गाड़ी पार्किंग में कहाँ खड़ी है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको फीचर्स अभी बताए मैं इसके बारे में आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें एक USB चार्जर होता है जो कि हमारे मोबाइल को चार्ज कर सकता है। इसकी बैटरी लिथियम की होती है जो कि ज़्यादा हीटअप नहीं होती है और ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करती है और लॉन्ग टाइम इसकी लाइफ होती है, 5 ईयर मिनिमम वो चल सकता है। ओके, इसके बाद इसका जो वेट होता है फ्रेंड्स वो 82 kg का होता है। ओके, और जो इसकी इसका जो व्हील है वो 12 इंच का है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कि एक इसमें रिवर्स मोड होता है, तो रिवर्स मोड में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही हम रिवर्स वाले बटन को दबाते हैं, दबाने के बाद में जैसे ही हम एक्सीलेटर लेते हैं तो ये पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, हमें पैर से फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। ओके, और सेकंड मैंने आपको बताया एक क्रूज कंट्रोल। ओके, इसमें क्रूज कंट्रोल क्या होता है फ्रेंड्स, क्रूज कंट्रोल होता है कि सपोज़ कि हमारी जो स्कूटी है वो 40 या 50 की स्पीड पे चल रही है और हम चाहते हैं कि इसी स्पीड पे चलती रहे और हमें एक्सीलेटर ना देना पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, इस येलो कलर वाले बटन को एक बार पुश करना होता है और वो उसी स्पीड में आपकी बाइक को चलता रहता है। जब तक आप उसको दोबारा से नहीं पुश करोगे वो उसी स्पीड में चलती रहेगी। तो ये क्रूज कंट्रोल है, एक बहुत अच्छा फीचर है इस वाली स्कूटी का। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी फ्रेंड्स जो प्राइस आएगी वो 65,000 रुपीज़ की आएगी, वो भी दिल्ली में 65 से 70 समथिंग पड़ेगी। हर एरिया का अलग अलग है, किस एरिया में इसमें सब्सिडी भी मिल रही है फ्रेंड्स तो और भी प्राइस कम हो सकती है, बट सिंगल बैटरी आपको 65,000 से 70,000 के बीच में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वारंटी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम, तो इसमें 3 इयर्स की वारंटी है, कंप्लीट वारंटी इसकी है, बैटरी पे है, इसकी कंट्रोल कार्ड पे है और सभी चीज़ लगभग लगभग सभी चीज़ों पे इसकी 3 इयर्स की वारंटी है। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड लगभग लगभग 50 से 55 के बीच में जाती है फ्रेंड्स। ओके, और दूसरी बात ये कि इसको इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 4 से 5 आवर है। एक बार अगर आप इसको 4 से 5 घंटे चार्ज कर लेंगे फ्रेंड्स तो आपको ये 60 से 70 किलोमीटर समथिंग चल जाएगी, इतना आपको चल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि इसका जो फ्रंट लुक है वो कितना अच्छा है, लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीरो की प्लेजर स्कूटी की तरह है। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आपको आगे ये हेडलाइट दिख रही होगी, ये LED लाइट है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें LED लाइट दी हुई है। ओके, और इसके नीचे इसका लोगो दिया हुआ है, लोगो के नीचे ये नंबर प्लेट दी हुई है फ्रेंड्स आपके। उसके बाद में हम देख लें ये 2 इंडिकेटर दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लें फ्रेंड्स, तो जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है, जो कि हमें चलाने में काफ़ी कंफर्ट होता है, जो खड्डे वड्डे होते हैं उसका पता हमें कम चलता है। और इसकी व्हील की बात कर लें फ्रेंड्स, एलॉय व्हील दिया हुआ है इसमें, ये एलॉय व्हील दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, और जो इसमें ये टायर हैं ये ट्यूबलेस टायर हैं फ्रेंड्स, इसके कॉन्विनेंटल टायर हैं जो कि बहुत अच्छे टायर हैं, TVS के हैं ये और ट्यूबलेस हैं ये। और अगर सस्पेंशन में देख लें तो हम इसमें हीरो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लुक है इसका फ्रेंड्स, फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा हुआ है इसमें। साइड लाइट के लिए ये गार्ड भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, और ये ग्रे कलर की काफ़ी अच्छी लुकिंग है इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसके साइड लुक की बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है लुक बहुत ही अच्छा लुक है इसका, ठीक है। उसके बाद हम इसकी स्पेस की बात कर लें, लेग स्पेस काफ़ी दिया हुआ है, यहाँ पे हम कुछ भी रख के ला सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आप पानी की बोतल वोटल कुछ भी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं, इसके लिए स्पेस दिया हुआ है इसमें। ओके, और उसके बाद इसमें यहाँ पर एक हुक दिया हुआ है जिसमें आप कोई भी पॉलीथीन में कोई सामान लाते हैं तो उसको लटका के यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, और ये आगे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये मोबाइल चार्जर USB चार्जर है मोबाइल का। ओके, यहाँ से हम मोबाइल लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये इसको हैंडलाइट का ऑन ऑफ करने का है। ओके, और इसके बाद हम ये देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है आपको ये बीम, हाई बीम और लो बीम के लिए है।
उसके बाद में ये आपको हॉर्न के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में ये आपको इंडिकेटर है लेफ्ट एंड राइट वाला, ठीक है, ओके। और देखिए ये इंडिकेशन यहाँ ऊपर भी दिखाई देता है जब इसमें हम मान लो कि हमने लेफ्ट साइड का किया हुआ है तो इसमें भी यहाँ पे भी दिखाई देगा, ओके। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये रिवर्स का है और ये क्रूज कंट्रोल है फ्रेंड्स। मैं अभी आपको उसको लाइव दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स इसके हम स्क्रीन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, और जो बैटरी है बैटरी का दिखा रहा है कितनी चार्जिंग इसमें हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको किलोमीटर दिखाएगा क्या किलोमीटर चल रहा है आपका, ओके। और यहाँ पे आपकी स्पीड दिखाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इसमें एक रिवर्स वाला है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हम इसको रिवर्स दबाएंगे, ओके, तो देखिए आप ग्रीन कलर का ये रिवर्स इसमें लिखा हुआ आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा और उसका जैसे ही आप एक्सीलेटर देंगे तो इसमें 3-4 की स्पीड दिखाएगा, वो भी मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड जैसे ही हम इसकी लाइट ऑन करते हैं तो आपको ये लाइट का भी ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, ओके। तो सारा कुछ इसमें डिस्प्ले होगा, जो जो फंक्शन आप इसमें यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, वो सारा कुछ डिस्प्ले होगा इसमें, ठीक है। और इसकी साइड मिरर्स भी आपको दिखा देता हूँ मैं, साइड मिरर्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और काफ़ी अच्छा पीछे का स्पेस कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो सर्कुलर सा दिख रहा है फ्रेंड्स, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। बैटरी जब भी चार्ज करनी है तो यहाँ पे हमें प्लग इन करना पड़ेगा बैटरी को, सॉरी वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है आपका चार्जर का जो वायर है उसको यहाँ पे प्लग इन करना पड़ेगा। फिर यहाँ प्लग इन करने के बाद में आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके। मैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। इसमें फ्रेंड्स देखिए ये साइड स्टिकर्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं और क्लियरेंस भी ठीक ठाक सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्हील इसका 12 इंच का है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको सस्पेंशन दिख रहा है, ये ड्यूल कॉइल सस्पेंशन है जो कि काफ़ी अच्छा है, आपके जो भी खड्डे वड्डे आते हैं उसके शॉक को अब्जर्व कर लेता है, ओके। फ्रेंड्स ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये हब मोटर है, ठीक है, जो कि इसमें पावर ट्रांसमिशन कर रहा है, ठीक है, जिससे कि हमारी स्कूटी चल रही है, ओके। तो ये बहुत अच्छी मोटर है फ्रेंड्स, जो कि हब में होती है और रिलायबल होती है और काफ़ी अच्छी है और ये चलने में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है इसमें, ठीक है। और ये वाटरप्रूफ होती है। और फ्रेंड्स देखिए ये साइड में दिया हुआ है आपको, ये भी काफ़ी अच्छा लुक के लिए दिया हुआ है इसमें। और इसमें एक ये फुट रेस्ट मिल जाता है, ओके, ये फुट रेस्ट मिल जाता है आपको इसमें पैर रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे भी दिया हुआ है इसमें, और इसकी ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है फ्रेंड्स साइड का, ओके। तो फ्रेंड्स ये आपका साइड लुक था जो कि मैंने सारा आप कुछ बताया। देखिए यहाँ पे 3D ऑप्टिमा CX लिखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लुक है, इसकी सुंदरता को बढ़ाता है गाड़ी की। अपने यहाँ से आपको ये वायर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये वायर जो कि डायरेक्ट मोटर में गया हुआ है जो कि बैटरी से पावर को लेता है। ये इसकी नंबर प्लेट है यहाँ पे, उसके बाद में एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, उसके बाद में पीछे की बैकलाइट है रेड कलर की और दोनों साइड के इंडिकेटर दिखाए गए हैं इसमें, ओके। और इंडिकेटर को गाइड करने के लिए गार्ड भी है इसमें। ये बैक लुक है इसका फ्रेंड्स, ओके, बैक लुक से भी काफ़ी अच्छी लगती है ये गाड़ी, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए इसमें जब पीछे बैठने वाला है उसके लिए काफ़ी अच्छा ये अलॉय का दिया हुआ है इसमें, इसको पकड़ के बैठ सकता है, मजबूती से गिरने का डर नहीं है बिल्कुल भी इसमें। और इसकी सीट स्पेस की बात कर ले फ्रेंड्स तो काफ़ी अच्छा सीट स्पेस है इसमें, 2 या 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, काफ़ी कंफर्ट है। देख लिया, अब मैं आपको इसकी बैटरी के बारे में बताऊंगा और सीट के नीचे जो स्पेस है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि सीट के नीचे कितना स्पेस है, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐसी की लगाने के लिए जगह मिल जाएगी और उसको इस तरीके से पुश करना है और ये सीट आपकी खुल जाएगी, ओके। इसको ऐसे ओपन करना है, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे चार्जर रखा हुआ है फ्रेंड्स, ओके, ये चार्जर है जिसकी हेल्प से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम ऊपर पुश करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी बैटरी आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इसको हम मैन्युअली यहाँ से इस तरीके से इसको निकाल भी सकते हैं, निकाल करके डायरेक्टली हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली चार्ज भी कर सकते हैं, ओके। और ये वाले सॉकेट्स निकालने होते हैं हमें, इसको निकालने के बाद में हम बाहर निकाल के भी इसको चार्ज कर सकते हैं। सिंगल बैटरी है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, ठीक है। इसको ऐसे लगा दें और इसके बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पे इसके सॉकेट्स और कार्ड कंट्रोल वाल सब कुछ यहाँ पे है।
जब ये फ्रेंड्स ये वाला एमसीबी बंद कर दिया जाएगा तो बैटरी की पावर सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ओके, जब इसको हमें जब यूज़ में ना आए तो इसको ऐसे बंद कर देना चाहिए। इसको अभी चालू कर देते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स ये दिख रहे हैं आपको, ओके, यहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, पानी जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें यहाँ पे, ओके, इसको वापस लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें ग्रीन कलर का आर लिखा आ रहा है, तो ये मेरे रिवर्स बटन दबाया हुआ है। रिवर्स बटन दबाने के बाद में देखिए आप पीछे की तरफ 5 की स्पीड में चल रहा है, ओके। मैं आपको उसका व्हील भी दिखा देता हूँ, उल्टा घूम रहा है। तो फ्रेंड्स ये उल्टा घूम रहा है, देख रहे हैं आप ये। तो ये रिवर्स के लिए आपको ये बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है, यहाँ पे ग्रीन कलर लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद में ये मैक्सिमम स्पीड इसकी 5 की होती है पीछे में। तो इससे क्या है कि फ्रेंड्स हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना होता है अगर हमें गाड़ी को पीछे घुमाना है। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्रूज कंट्रोल क्या होता है। क्रूज कंट्रोल के लिए फ्रेंड्स देखिए अभी, तो फ्रेंड्स इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है आइडियल है इसलिए 63 दिखा रहा है। अब उसके बाद हम जैसे ही इस वाले बटन को पुश करेंगे क्रूज कंट्रोल वाले को, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे फ्रेंड्स, तो ये 63 पे ही चलेगा, ओके। ये होता है क्रूज कंट्रोल, ओके। आप देख रहे होंगे इसकी स्पीड 63 ही आ रही है, ठीक है। और ये बटन मैंने एक बार पुश किया था CW वाला, ओके, क्रूज कंट्रोल वाला, तो ये ऐसे कैसे 63 की स्पीड में चल रहा है आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ओके। और मैं इसकी व्हील भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसके व्हील घूम रहे हैं, ठीक है। देखिए ये इसके व्हील घूम रहे हैं फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। और ये ही क्रूज कंट्रोल है जो कि बहुत अच्छा फीचर है इस वाली गाड़ी में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं फ्रेंड्स इसको एक बार पुश करूँगा, आप देखिए यहाँ पे, तो ये आप वो ये अपने आप डाउन होने लग गई है, ओके। अब ये हम जैसे कि चलाएंगे उस हिसाब से ये अपने आप मैनुअल चलता रहेगा। की के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। की में देखिए ये जो है पार्किंग असिस्टेंट के लिए है, ये चालू करने के लिए है, ये लॉक ओपन करने के लिए है, लॉक लगाने के लिए है। तो मैं आपको ये सारे फंक्शंस करके दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम ये देखते हैं पार्किंग सिस्टम देखते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है ये स्कूटी लॉक होकर खड़ी हुई है। अब मुझे पता नहीं है कि स्कूटी कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, ये पार्किंग वाला जो बटन है इसको दबाऊँगा तो ये बहुत तेज़ बीप देने लग जाएगी, उससे मुझे पता लग जाएगा कि ये कहाँ पर खड़ी है। आपको आवाज़ आ रही फ्रेंड्स, इस तरीके की ये बीप करेगी, जब आप इसको दबाओगे तो आप कहीं पता लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, ओके। दूसरा फीचर फ्रेंड्स इसमें ये है कि जैसे आपने इस लॉक बटन को दबाया, ओके, मैनुअली जो आपने की लॉक कर दिया है उसके बाद इसको दबा के आप चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी आपकी स्कूटी को छूता है या कुछ करता है तो तुरंत सायरन देने लग जाता है। कैसे देता है देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा ऐसे करते ही आवाज़ करेगा, देखा आपने, कोई छेड़छाड़ करेगा या कुछ भी करेगा तो ये ऐसे सायरन देने लग जाएगा। तो इसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत तगड़ा है, ओके। देखा आपने जैसे मैंने इसको छेड़ा, ओके, वैसे ही आवाज़ करने लग गया था, ठीक है। अभी तो मैंने इसको ओपन कर दिया है, लॉक ओपन है इसलिए इसमें आवाज़ नहीं आ रही है फ्रेंड्स, ओके। अब दोबारा से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखा आपने कि मैंने इसको लॉक कर दिया है, लॉक करने के बाद दोबारा जैसे ही मैं इसको छेड़ूंगा तो ये वापस सायरन देने लग गया, ओके फ्रेंड्स। इसका मतलब सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें, ओके। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, ये लॉक सिस्टम हो गया और ये पार्किंग सिस्टम हो गया। तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और ये हम अपने घर के यूज़ के लिए ले सकते हैं। 50 किलोमीटर की रेंज में अगर आपको जाना आना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं उसके लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्कूटीज़ के कंपेरिजन में इसकी जो मोटर है वो हब मोटर है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरा ये है फ्रेंड्स कि 4 घंटे में चार्ज होकर के ये 50-60 किलोमीटर की आपको रेंज दे रही है। उसके बाद में आप इसके बाद इसको आप 55 की स्पीड में 55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको चला सकते हैं, ठीक है। और इसमें सिंगल बैटरी होने की वजह से इसका वेट कम है और जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हर एक जगह से परफेक्ट है ये, ओके। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। उसके बाद में इसका वज़न कम होने की वजह से इसको हम इजी गोइंग मूव कर सकते हैं, कोई कोई बच्चा भी चला सकता है और लेडीज़ भी चला सकती है क्योंकि इसमें सिंगल बैटरी होती है, इसलिए इसका वेट 82 kg है, बहुत कम है, ओके। तो इजी गोइंग हम इसको रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसमें पार्किंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, क्रूज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है इसमें, ठीक है। और इसके बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स आई होप बहुत हमारे लिए बहुत वैल्यूबल स्कूटी है ये, एक बाइक है, ओके।
तो इसको हम खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इसको लॉक किया, और जैसे ही मैंने इसको छुआ या थोड़ा सा हैंडल को हिलाया और बहुत तेज़ी से आवाज़ करने लगा, तो सिक्योरिटी सिस्टम नो डाउट बहुत अच्छा है इसमें। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ कि अगर इसकी जो व्हील्स हैं अगर वो कीचड़ में लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसको किस तरीके से पानी से क्लीन करना है, कहाँ कहाँ पानी मारना है, कहाँ कहाँ नहीं मारना है, और पानी लगाने से एक प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें आपकी अगली वीडियो में मिलेंगी। आपको इसको किस तरीके से हमें क्लीन करना है वो सारी भी चीज़ मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखते रहिए मेरा चैनल, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका कंजप्शन कितना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।